हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि दोस्तों यदि आपका फेसबुक अकाउंट हैक हो गया है या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपका जो फेसबुक अकाउंट है ना और दूसरा कोई व्यक्ति अपने फ़ोन के अंदर यूज करता है या फिर नहीं भी करता है, यदि आप इसका पता लगाना चाहते हो, चेक करना चाहते हो कि आपका फेसबुक अकाउंट जो है ना वो सेफ एंड सिक्योर है कि नहीं, जो चैट है, फोटो, वीडियो, मैसेज, वो सारा का सारा कोई दूसरा व्यक्ति तो नहीं देख रहा है ना, दूसरा व्यक्ति अपने फ़ोन के अंदर नहीं चला रहा है ना, यदि ये सब दोस्तों जानना चाहते हो और इस प्रॉब्लम को छुटकारा पाना चाहते हो कि हाउ टू रिमूव फेसबुक अकाउंट फ्रॉम अनदर फोन, यदि दोस्तों इस चीज़ से परेशान हो, चेक करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक बिना स्किप के ध्यान से देखना। मैं आपको दोस्तों 101% सोल्यूशन बताने वाला हूं कि इस वीडियो के अंदर कैसे आप ये सब कर सकते हो, कैसे आप अपने फ़ोन के अंदर इसे देख सकते हो। सबसे पहले आपको अपने फ़ोन के अंदर फेसबुक ऐप को ओपन करना है, जिस प्रकार से मैं अपने फ़ोन के अंदर फेसबुक को ओपन कर रहा हूँ। और जैसे ही सबसे पहले आप अपने फ़ोन के अंदर फेसबुक को ओपन करोगे ना तो आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा दिखता है। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपने प्रोफाइल आइकन के ऊपर क्लिक करना होता है और काफ़ी सारे लोग दोस्तों जो होते हैं ना वो सेटिंग को अच्छे से देखते नहीं है, यानी कि वीडियो को अच्छे से देखते नहीं है, समझते नहीं है, कहीं पे भी कहीं किसी सेटिंग के अंदर घुस जाते हैं जिससे कि दोस्तों उनका जो प्रॉब्लम है ना वो सॉल्व नहीं हो पाता है। अब काफ़ी सारे लोग दोस्तों यहाँ पर ये जो सेटिंग है यहाँ पर ओपन कर लेते हैं और कहीं पर भी दोस्तों चले जाते हैं। इसका जो सिस्टमेटिक तरीका है ना दोस्तों, ये दोस्तों पता लगाने का कि कैसे आप अपने घर बैठे ही अपने फेसबुक अकाउंट को दूसरे डिवाइस से, अनदर फोन से, दूसरे के घर में कहीं किसी के फोन में, लैपटॉप में लॉगिन हो आपका आपका फेसबुक, तो उसे घर बैठे ही रिमूव कर सकते हो। तो ये सब करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे अपने प्रोफाइल आइकन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक जैसे ही करोगे तो आपको यहाँ पे कई सारे ऑप्शन दिखते हैं। यहाँ पे ये जो सेटिंग एंड प्राइवेसी है ना, यहाँ से भी जा सकते हो और यहाँ पे ये जो सेटिंग है ना, यहाँ से भी जा सकते हो। दोनों ही तरीके आपके लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। यहाँ से भी जाओगे तो वहीं पर जाओगे और यहाँ से भी जाओगे तो वहीं पर जाओगे। मैंने आपको दोनों ही तरीके बताया। यहाँ से नीचे से जाओगे तो आपको यहाँ पे सेटिंग का फिर से एक बटन मिलेगा, यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पे एक देख सकते हो एक सेटिंग मिलेगा। वैसे तो बहुत ढेर सारे सेटिंग मिलेंगे, जिनको वीडियो नहीं देखना होता है वो कहीं पे भी क्लिक करके ढूंढते रहते हैं, पूरा दिन मिलता ही नहीं है। आपको ऊपर में फर्स्ट नंबर पे मेटा अकाउंट सेंटर के अंदर आने हैं और आपको दो नंबर पे पासवर्ड एंड सिक्योरिटी के ऊपर क्लिक करना होता है। जैसे ही क्लिक करो आपके सामने यहाँ पे फिर से कई सारे ऑप्शन मिलेंगे और आपको फिर से आपको अकाउंट सेटिंग के अंदर आने हैं। अकाउंट सेटिंग के अंदर आओगे तो पासवर्ड एंड सिक्योरिटी के अंदर आने हैं। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करोगे ना तो आपके सामने यहाँ पे देख सकते हो सेव लॉगिन। कई सारे लोग यहाँ पे ढूंढने लगते हैं सेव लॉगिन के अंदर, बट दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पे आपको वेयर यू आर लॉग्ड इन, यानी कि दोस्तों आप कहाँ कहाँ पे लॉग्ड इन हो, आपका जो फेसबुक है कहाँ कहाँ पे लॉगिन है और उसे कैसे दोस्तों दूसरे के डिवाइस से, दूसरे के फ़ोन से रिमूव करना है, यहीं पे सारा सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। और मैं आपको कुछ इसके बचाव के सिक्योरिटी पर्पज़ का यहाँ पर और भी मैं आपको सिक्योरिटी बताऊँगा कि कैसे आप सेफ सिक्योर रह सकते हो। यहाँ पर सबसे पहले आपको वेयर यूर लॉग इन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर दो ऑप्शन मिलेंगे, इंस्टाग्राम का, फेसबुक का, तो आपको यहाँ पे फेसबुक के ऊपर क्लिक करने हैं। जैसे ही क्लिक करो तो आपके सामने यहां पे वो डिवाइस दिखेंगे, जैसे कि लॉगिन टू अदर डिवाइस, आपका जो फेसबुक है ना कहां कहां किस किस डिवाइस में लॉगिन है। जैसे कि मान लो ये एंड्रॉइड विंडो पीसी, यानी कि ये डिफरेंट डिफरेंट है, इसका मतलब आपका जो फेसबुक है ना डिफरेंट डिफरेंट जगह में यूज हुआ है। अब यहां पे दोस्तों यदि मान लो ये जो है ना डिवाइस आपका नहीं है और इसे आप दोस्तों अपने घर बैठे फ़ोन से ही रिमूव कर देना चाहते हो, उसके फ़ोन के अंदर रिमूव हो जाए, वो आपका फेसबुक ना चला पाए, तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट डिवाइस टू लॉग आउट के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने आपका जो भी डिवाइस है ना यहाँ पे आपका जो है उसके अंदर है तो ठीक है, यदि जैसे कि मेरा ये जो है ना डिवाइस नहीं है, मैं यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ पे जो भी मेरा डिवाइस नहीं है मैं उसका ऊपर क्लिक करूँगा। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद देख सकते हो आपको नीचे एक लॉग आउट का बटन दिखेगा और जैसे ही दोस्तों यहाँ पे लॉग आउट के ऊपर क्लिक करोगे ना दोस्तों आपका जो फेसबुक है ना दूसरे के डिवाइस से रिमूव हो जाएगा। और दोस्तों आपकी ये जो प्रॉब्लम है ना हाउ टू रिमूव फेसबुक अकाउंट फ्रॉम अनदर फोन, ये दोस्तों प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। बाकी दोस्तों यहाँ पर और भी जो दिख रहा है ना, जैसे कि मान लो ये जो विंडो पीसी मेरा नहीं है, तो यहाँ पे मैं इन सबको यहाँ पे फिर से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ।
जितने भी विंडो पीसी है ना, क्योंकि दोस्तों मैंने अपने फेसबुक लैपटॉप के अंदर यूज ही नहीं किया है, तो इन सबको मैं डिलीट कर देता हूँ। बाकी एंड्रॉयड जो है ना, और यहाँ पे रियलमी सीरीज थी, ये मेरा ही हैंडसेट है, बाकी ये मेरा नहीं है, तो मैं इसे लॉग आउट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। और दोस्तों ये है तरीका आप दूसरे के डिवाइस से अपने फेसबुक को रिमूव करने का। और आई होप कि दोस्तों यदि आपने यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया होगा तो काफ़ी कुछ सीख लिया होगा, और दोस्तों आपकी जो प्रॉब्लम है ना वो चुटकियों में सॉल्व हो गई होगी। आई होप कि वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज को देखने के लिए।